कि किन परिस्थितियों में, किन हालातों में ये घटना घटी, क्यों फायरिंग की नौबत आई। नेचुरल डेथ है, उसमें कोई लाठी से या किसी से प्रहार नहीं किया गया। और सरकार का घेरना, तो बहुत सारे मुद्दों पर तो वो बेनकाब बीजेपी हो गई है। वहाँ पर स्थिति इतनी नियंत्रण से बाहर हो गई और जो प्रशासन को बल प्रयोग करना पड़ा स्थिति को काबू में करने, कंट्रोल करने के, इसमें प्रशासन को हवाई फायरिंग करनी पड़ी, जिसको लेकर एक दो शख्स की मौत हुई है। कल तक तो हमारे एसपी साहब से हमारी बात हुई थी, एक शख्स की मौत हुई थी, दो घायल थे, इसके कस्टडी में मारा गया था ना। अब बताइए भला, वो हमें उपदेश देंगे जिसके चलने में खुद ही हजारों लाखों छेद हैं। गठबंधन की जो भी पार्टियां हैं वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन करती है, उनका ये दावा भी है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विधानसभा मार्च किया और पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो कहा कि पुलिस ने अपना काम किया है, लेकिन कटिहार में पुलिस ने ऐसा काम किया कि दो व्यक्ति की मौत हो गई। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं। आप लोगों पर इल्ज़ाम लगा कि हत्या करवा दिया आप लोग, वो लोग अपनी मांग रख रहे थे बिजली को लेकर के, आप ही की सरकार, आप ही की व्यवस्था, सब कुछ आपका, गोली कहाँ चलवा दी है? नहीं देखिए, बीजेपी हमारे विरोधी क्या कह रही है इस पर हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं देना। उनका काम है हंगामा खड़ा करना और सरकार को घेरना, तो बहुत सारे मुद्दों पर तो वो बेनकाब बीजेपी हो गई है। अब कटिहार की जहाँ तक बात है तो कटिहार की घटना दुखदाई है, दुखद है, और वहाँ पर जो आंदोलनकारी थे बिजली विभाग में के पास प्रदर्शन कर रहे थे, उन वहाँ पर स्थिति इतनी नियंत्रण से बाहर हो गई और जो प्रशासन को बल प्रयोग करना पड़ा स्थिति को काबू में करने के लिए, तो उसी के मद में, उसी के कंट्रोल करने के, इसमें प्रशासन को हवाई फायरिंग करनी पड़ी, जिसको लेकर एक दो शख्स की मौत हुई है। कल तक तो हमारे एसपी साहब से हमारी बात हुई थी, एक शख्स की मौत हुई थी, दो घायल थे, आज आप बता रहे हैं दो लोगों की मौत हुई, तो आज हो सकता है कि दो लोगों की मौत हुई होगी, इसकी पूरी आधिकारिक जानकारी हमें एक ही की है। तो इस घटना की जाँच के आदेश दे रहे हैं, उच्च स्तरीय जाँच हो रही है, अगर इसमें कोई दोषी अधिकारी पाए जाएंगे उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। नहीं तो मृत्युंजय जी, किसान आंदोलन हुआ उसमें लोगों की मौत हो गई गोली चलने से, तो आप लोग तो बड़ा संविधान को लेकर के कि नहीं संविधान खतरे में है, पुलिस कैसे, सरकार ने इशारा किया और गोली मार दिया, तो यहाँ भी आपने कहा होगा गोली मार दिया। देखिए ऐसा है कि पहले तो यहाँ जो बीजेपी के प्रदर्शन में घटना एक शख्स की मौत हुई थी, हम लोगों ने पहले से ही कहा कि वो कोई नेचुरल डेथ है, उसमें कोई लाठी से या किसी से प्रहार नहीं किया गया है, लेकिन बीजेपी वाले बहुत हाई तवा मचा रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जो बात हम लोग कह रहे थे वो सच साबित हुई। कटिहार की घटना को लेकर के निश्चित रूप से वहाँ पर जो जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन जो सामने फुटेज आया है उस प्रदर्शन में देखा जा रहा है प्रदर्शनकारियों के हाथों में लाठी डंडे भी हैं, तो ये लाठी डंडे का जवाब सरकार बंदूक से देगी? बंदूक से नहीं देगी, लेकिन आखिर कोई भी डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सबको अधिकार है आंदोलन करने का, लेकिन उसी आंदोलन में कोई असामाजिक तत्व, उपद्रवी तत्व घुसकर अगर अराजकता फैलाएगा, उपद्रव करेगा, कानून तोड़ेगा, कानून हाथ में लेगा, तो स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए मजबूरी में पुलिस प्रशासन को अगर बल प्रयोग करने पड़ते हैं तो फिर उसको उसका जवाब शासन को देना पड़ेगा, प्रशासन को, कि किन परिस्थितियों में, किन हालातों में ये घटना घटी, क्यों फायरिंग की नौबत आई, सारी चीज़ों का रिपोर्ट आएगा, इसके बाद पता चल जाएगा और जो दोषी होंगे उनके ऊपर कठोर कार्रवाई। बीजेपी ने कहा है कि जनरल डायर की सरकार है बिहार में। देखिए बीजेपी तो बौखलाई हुई है, इंडिया जिस दिन से बना बीजेपी ने मान लिया कि उनकी विदाई तय होगी, बोरिया बिस्तर वो समेट रहे हैं, अब जनरल डायर की वो क्या करेंगे, भूल गए उत्तर प्रदेश की घटना, भूल गए पुलिस के कस्टडी में मारा गया था ना, अब बताइए भला, वो हमें उपदेश देंगे जिसके चलने में खुद ही हजारों लाखों छेद हैं। बीजेपी के कहने का तो कोई नोटिस ही नहीं लेना है, ये नीतीश तेजस्वी की सरकार में जनता का राज है, कानून का राज है और कानून अपना काम करे। आखिरी सवाल, जो मौत हुई उसे शर्मिंदा है आप लोग कटिहार? देखिए हम, ये मौत किसी भी तरह की मौत हो, कोई किसी का हो, हम लोग कोई भी व्यक्ति
को दुख होता है, ये दुखद घटना है। कार्रवाई होगी पुलिस हम पर। हम तो कह रहे हैं, ये तो कह दिया गया है कि शासन प्रशासन पूरी जांच करके जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। तो ये थे हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जो आरजेडी के प्रवक्ता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से पुलिसिया कार्रवाई हुई है उसमें अगर किसी की मौत हुई है, इस पूरे मामले की जांच सरकार अपने तरफ से कराएगी, निष्पक्ष जांच होगी और जो लोग भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी बेला वजह वावेला मचा रही है।